हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे 7:30 और मंदिर में जाने का टाइम हो गया है और मैं तो रेडी हो गई हूँ। ये वाला फ्रॉक पहनना आज तो मैंने, और अरना बनाने लग रही है अभी। ये कह रही है कि जब तक मैं ना के आऊँ तो रेडी होकर बाबू को रेडी कर दे, और मैं तो रेडी हो गई हूँ। बाबू को रेडी करना है मंदिर जाने के लिए, फिर आके आटा वगैरह मैंने लगा दिया है, नाश्ता बनाना और खाना बनाना, इनका टिफिन यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बनाने हैं, और बाकी काम मैंने ख़त्म कर ही दिया। बस आके टिफिन वगैरह लगाना और नाश्ता देना है इन्हें। और मंदिर में ले जाने के लिए फूल लेकर आई थी मम्मी, आज ये वाले फूल में मंदिर में लेकर जाएंगे, और मंदिर में लेकर चले जाएंगे ना कुछ, यहाँ पर चढ़ जाएंगे लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को, और कुछ हम लेकर चले जाएंगे मंदिर। मंदिर आए हैं अपने रेल पार के, हनुमान मंदिर, और थोड़ा देखो क्या कर रहे हैं। मम्मी, मम्मा कहाँ आपकी? हनुमान जय, हनुमान जय, बजरंग बली जय, बजरंग बली जय, बजरंग बली। राधे 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 राधे। आ पानी वाली, सूर्य को दे मुझे। हाँ सूर्य तो बोलते अभी जय हो सूर्य देवता, जय हो सूर्य देवता, जय हो प्रभु। अभी देखो क्या केले में, नहीं नहीं आज तो मंगलवार है। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। भाई घर अब जब पूजा करके घर चलते, पूजा करते हैं अथारू। राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो भाई जी को, राधे 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 राधे। इधर रेलवे लाइन से है, इधर स्टेशन है सामने। पैदल पैदल आए यार तुम, मौसम भी खराब होगा, बादल बादल हो गए, कितने काले बादल हो गए। तो बैठ जाओ, आपने कितनी बढ़िया रखी, खड़े हो गए, कभी कुछ उतारो कभी कुछ उतारो, हैं बेटा गिर जाओगे चोट लग जाएगी आपको। बतरू खड़ा होकर खुद से ही और खिलौने उतारने लग रहा, देखो खुद से ही खड़ा ऐसा ऐसा ऐसा। बिस्किट खिला लगी, बिस्किट खत्ते खत्ते अभी सहमति नहीं है, खड़ो रहा बार 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 बार। बेटा आ जाओ खा लो बिस्किट, बैठ जाओ, ऐसा तो पैर मुड़ जाएगा आपका, जैसा आप करो। क्या कर रहे हो ध्रुव आप, क्या कर रहे बच्चे, क्या कर रहा मेरा छोटा बेबू, क्या कर रहा मेरा छोटा सा बच्चा, मम्मा के लाड़ कर रहा, मम्मा को बेड पे लेकर बैठा सोना बच्चा तुमने। के मार रहा है देख देख के। देख कर कुछ हुआ वरना परेशानी हो रहा, बहुत देर से बाहर जाने की लग रही है, बाहर लेकर चल बताओ काम बाहर लेकर जाऊँ इसे। अंदर तो थोड़ा सा सुकून भी है, बाहर तो पूरे में गर्मी है, जाल में कुछ धूप आ रही, तो इसीलिए मैं लेकर नहीं गई। अब रुई आई अब मन लग गया। गाइज गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इंडियन व्लॉग का गौरव पर, मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं इंडियन व्लॉग को, आप सभी की नमस्ते, राम राम, जय बजरंग बली, जय माता दी। और
सोते उठते ही ये मुझे ऊपर लेके आ गया कि मुझे बाहर को लेकर चलो। मैं बाहर तो लेकर नहीं गया, पर इसको ऊपर लेकर आ गया मैं। यहाँ पर पड़ रही है बारिश, वो बादल हो रहे अच्छे, तो आपको दिखाते हैं। चलो बैक कैमरे से, बैक कैमरे से ना देखो कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, और फुल टम बादल हो रहे हैं, बारिश भी पड़ना है, पूरी उम्मीद है बारिश की। तो भाई साहब कि बारिश तो पड़ेगी अच्छी खासी, क्योंकि अभी तो थोड़ी हल्की हल्की सी पड़ रही है। और ये देखो फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं, और हमारे पेड़ भी हरे भरे हो गए, पूरे पूरे हरे भरे हो गए। देखो ये देखो अमरूद भी दिख रहे क्या? किट्टू कर रहा ना वही कर रहा, किट्टू की नकल उतार रहा। देखो गुडर गया चला, गुडर गया चला, मारे मारे जो भी कर रहा वही कर रहा। किट्टू की तरह कर रहा, देखो जैसे ही कर रहा है थक गप हुए। क्या होगा अतरु को? अतरु थक गया, थक गया अतरु, अतरु थक गया। रोई पाट दिया बार बार, नाम पदनाम में लोंडे का कर दी। अपने छोटे भाई का नाम बदनाम कर दी, बाबू तो बोल ही नहीं सकता कुछ भी, ग्वाल है ना ले तो सकी। तो हालत बहुत खराब है, जुकाम खस्सी बुखार और उपकारी भी आ रही, वरना दवाई लेकर देख गए। अभी नाश्ता करके दवाई लूंगी 11 बजे, पर अभी नाश्ता नहीं करा, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा जुकाम में। और आज तो तीज भी है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर अथर और रोई खेलने लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। पहला काल जो चलता रहा बहुत तेज उल्टी लगी, उल्टी करके आई आगे चक्कर से आगे लेट गई। चलो नहाने के लिए चलो, ठीक है मैंने आपके नए कपड़े निकाल लिए। आज तो अतरु डांगरी वाले कपड़े पहनना का तीज पे, क्योंकि अतरु की पहली तीज है ना, तो इसलिए अतरु के नए कपड़े पहनना का। ग्रीन तो नहीं है अतरु के पास, यही वाले है। बस अतरु के पास नए कपड़े तो बहुत सारे रखे, पर वे बड़े है बस, सही थे यही वाले। किट्टू के घर गया था तो गाइस अतरु को नहला दिया है, और अतरु को मैंने रेडी भी कर दिया है। और अतरु ने देखो क्या बुरा हाल कर रखा अपने चारों तरफ। बस अब सफाई करूंगी, अथरू का काम खत्म हो गया, अथरू को बाहर भेज गए, और अब यहाँ की सफाई कर दूंगी बस। बेटा क्या घुसा रहे आप मुंह में? कुछ भी अगर ऐसा कुछ दिख जाए ना तो उठा के एकदम से मुंह में घुसा जाए, इसीलिए का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ना हो बेड पे उल्टी सीधी चीजें। रुई को देख रहा, रुई कैसा लग रहा बाबू? बाबू ने तो अपनी सैंडल भी पहन रखी है रेड कलर के, पू पू करने वाले ये वाले कपड़े अथरु के मुझसे लेकर आई थी, जो नानी ने भेजे वे बड़े है, इसके वे आए नहीं, वे तो बहुत बड़े है। जब पैरों तो चल पैरों चला गया, जब मम्मी कह रही थी कि छोटे छोटे तो अथरु के पास बहुत है, इसलिए मैंने बड़े ही भेजे। ये अथरु की मुझसे लेकर आई थी, तो मैंने आज ये पहना दिए इसे। मम्मी वाले को ट्राई किए, पर मम्मी वाले बड़े है बेटा, ऐसा नहीं करते दीदी के साथ। तो रुई भी रेडी होकर आ गई है, इसने तीज पे ग्रीन टॉप पहनना और जींस, जोकर वाली जींस पहननी और टॉप पहनना। आपको किसने रेडी किया रुई?
मम्मी ने लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट सब कुछ करा है। बस आप रख रखी थी आपकी चूड़ी, धरना नहीं बोलते बेटा, रखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ रखना। बाबू को पता नहीं क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या क्या होगा पता नहीं। अथरू को इतनी हिचकी क्यों आ गई आज, पहला बाबू रेडी हुआ फिर बाबू की बहन रेडी हुई। चलो पानी पी लो अब, आप खुश की आ रही। चलो अथरू का झूला आया, तेज पे अथरू झूला लग रहा, तेज मन नहीं इसकी। रुई परेशान हो रही थी, झूला डलगा झूला डलगा। अरे तू कहाँ झूलेगी, अथरू का तो झूला डलगा तेरा। अरे तू बीच में ही आ जाएगी। शाम के साथ बजे और अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले। आज मैं लेट ही कपड़े धुलने लगी थी क्योंकि दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए और थोड़ा सा रिलीफ मिला था जब मैंने मशीन लगाई थी 6 बजे और 7:30 बज गए, अभी बराबर कपड़े धुलने लग रहे हैं। कपड़े धुलने के बाद फिर खाना बनाऊंगी, खाने में आज राजमे बनेंगे और जब तक कपड़े धुलेंगे राजमे तो बॉयल हो गया, चावल भी भिगो दिए, फिर चावल बना लूँगी। पता नहीं ना पूरी खाऊँगी या रोटी खाऊँगी, जो भी खाऊँगी मैं वही बना दूँगी, पूछना पड़ेगा क्या खाऊँगी पूरी, क्योंकि आगे लाइट ख़राब होगी तो इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। धुलने लग रहे कपड़े, इधर ड्राई हो गए पैर से और ये खंगालने के लिए पानी भर दिया और जो ड्राई हो गया वो निकाल लिए वहाँ पर, और कुछ ऊपर सुखाया है।